श्री अकाल, वणक्कम, आदाब, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। मैं ज्योति गड़िया मेहर आपका स्वागत करती हूँ आज के न्यू व्लॉग पे। आई होप आप लोग होंगे बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और व्यस्त है हर रोज की तरह सुबह के कामों में। तो क्वेश्चन है क्या मन में, तो पूछ लीजिए। हाँ, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन कि ये आज टाल बार। अरे मैं नहा के आई थी तो ना सुबह सुबह ठंडा लग जाता, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ठंडा लगने का मेन रीज़न क्या होता है। अगर आपके जो हेयर्स होते हैं गीले रह जाएं तो आपको ठंडा एकदम लग जाता है, और मुझे तो बहुत जल्दी लगता है। तो मैंने सोचा पहले क्या कर लेती हूँ, बाल सुखा लेती हूँ। अब ऐसे ऐसे करके मैं कर रही थी, तो पहले यहाँ की ब्लॉगिंग की तो मैंने स्टार्टिंग ही नहीं किया, तो पहले ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करती हूँ, फिर बाल भी सुखाती हूँ, तब तक ऐसे कर लेती हूँ, टाल को लपेट लेती हूँ बालों में। तो आज है नवरात्रि का पांचवा दिन और आज मैं रख रही हूँ फास्ट। इससे पहले मैं नहीं रख नहीं पाई, मतलब कुछ रीज़न थे, और ना मैं थोड़ा बहुत क्या, मैं इश्की को फीडिंग भी कराती हूँ, तो इसकी वजह से मैंने फास्ट नहीं रखे थे, क्योंकि थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाती है ना। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखेंगे, और तभी तो स्वस्थ पूजा कर पाएंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैं बस, तो मैंने, मुझे आज लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने आज व्रत रखा है और जान के लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। अब बस मैं बस पूजा करने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत मंदिर की सफाई करूँगी बस। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आज के ब्रेकफास्ट में क्या है, आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। फ्रेंड्स आप रेडी हैं? टन टना। तो आज मैंने बनाया ब्रेकफास्ट में साबूदाना की खिचड़ी। आई होप जान को पसंद हो। भाई जान पीछे कर रहे ना, जान गलत रिएक्शन देते हैं। तो मैं पूजा करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ओके, तब तक के लिए कहीं जाना मत। तो फ्रेंड्स हो चुकी है मेरी पूजा, बहुत अच्छा लगा। तो हम सब एक साथ बोलेंगे जय माता दी, मतलब आप लोग वहां से बोलिए, मैं यहां से बोलती हूँ। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। इश्की सुनो, ये जो हैंकी है ना, इसको सर में रखो। आप मंदिर में आई हो ना, जल्दी से रखो। हाँ सर में रखो इसे, खाली सर नहीं जाते कभी मंदिर में। हाँ सर में रखो, गुड गर्ल। हाँ अच्छे से रखो, वेरी गुड। अब मम्मा आपका टीका लगाएगी, ठीक है। अब भगवान जी को जय बोलो, वहां बोलो। हाँ सर झुकाओ भगवान जी के उसमें। हाँ प्रणाम करो, प्रणाम प्रणाम करो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, ज्ञानी बनो, सबकी सहायता करो, ठीक है। करोगी ना आप ना बेटा, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है। ये फूल है बेटा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, हमेशा दूसरों की हेल्प करना बेटा, ओके। ये इश्की ना मुझे इतना परेशान कर रही है, देखिए यहाँ पे बेबी है ना, ये बेबी के चक्कर लगाने में लगी है, और मुझे इतनी डर लग रही है कहीं ये बेबी को हर्ट ना कर दे। इतनी शैतान हो गई है ना आजकल ये, इतनी शैतान गंजी बच्ची। और ये इसका भाई भी आ गया लॉलीपॉप खाते खाते, इसकी दो मजा। और उसकी मम्मा भी आ गई, हैप्पी नवरात्रि। इसकी मम्मी की आवाज़ से पता चल रहा है कि इसने आज बिल्कुल खाना नहीं खाया है, वैसे ही कमजोर, व्रत रख के और कमजोर। इन दोनों भाई बहनों को देखो कितने अच्छे से, ये जो बड़ा भाई है डुगू अपनी बहन को कितने अच्छे से पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे हो बेटा आप? ए फॉर अंकल, क्या होता है ए फॉर? अच्छा बी फॉर, हाँ बी फॉर बड़ा एप्पल। आप लोग को डुगू इतनी अच्छी बातें करता है ना, आप लोग को भी सुनने हैं तो सुनिए। हेलो गाइस, आज आंटी चाची का हैप्पी वो होता है, कल हैप्पी बर्थडे होगा मेरा, इसकी का भी होगा कल, फिर मैं कल सफाई कर दो, वैक कर दो। ये कहना चाह रहा है, जो कि मुझे आधा अधूरा ही समझ में आया, ये कहना चाह रहा है कि मेरी चाची के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मतलब नीवी कह रहा है तो
इसकी तो मुझे भाषा समझ में नहीं आई, मतलब जो भी कहा इसने, इसने जो भी कहा आप मेरी मुंह से सुन लीजिए, इसने कहा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं भी कहा तो ठीक है, बाय बाय, कल मिलते मुझे यकीन नहीं हो रहा आज मैंने ना कितने टाइम बाद व्रत रखा और मेरी शकल देखिए कितनी गंदी शकल हो रही है यार मेरी, ओ माय गॉड, है ना डुक्की, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ ना आज ना, और भी सुंदर लगती हूँ, और भी सुंदर लगती है, ये जितने पहने हैं वो सुंदर, ओ माई थैंक यू, इसने मेरी इतनी तारीफ कर दी, बोला आप आज जब भी आप सूट पहनते हो आप बहुत सुंदर लगते, थैंक यू थैंक यू, तारीफ का मौका कहीं नहीं छोड़ना चाहिए, वो बच्चा तारीफ करो, बूढ़ा तारीफ कर रहा हो या जवान कर रहा हो, हमेशा तारीफ सुनो, तारीफ सुनना हर किसी को पसंद है। तो मैं ना किचन में अकेली हूँ, ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे साथ इश्की होती है, वो मेरे पीछे पीछे तो आती रहती है, तो ना वो अभी सो रखी है और मैं बना रही हूँ फास्ट का खाना, आप लोग इतने जल्दी क्यों, तो उसका भी एक रीज़न है, जान की ड्यूटी है 6 बजे से, और ना उससे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट पूजा कंप्लीट करनी है और खाना जो पूरा फास्ट का खाना बिल्कुल तैयार रखना है, क्योंकि ना वो खाना खा के जाएंगे, तो अब ऐसा तो अच्छा नहीं है कि मैं फास्ट का खाना बनाऊँ वो खा के ना जाएँ, तो इसीलिए मैं आज फास्ट का खाना जल्दी बना रही हूँ ताकि जान फास्ट का खाना खा के जाए और वो पूजा में भी इंक्लूड हो जाए, तो इसीलिए मैं कोशिश करी कि मैं जल्दी से जल्दी बनाऊं और उनको टेस्टी टेस्टी फूड खिलाऊं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो ये बन रहे हैं मेरे ब्लैक छोले, छोले तो नहीं होंगे, काला चना। मैंने बैटर तैयार किया, आप सोचिए किसका, तो मत सोचिए मैं ही बताती हूँ आपको, ये है पुए का बैटर, आज मैं अपनी जो जेठानी उनकी रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, तो ये केले, सूजी, केला डाला है मैंने इसमें, सूजी डाला है और साथ ही साथ चीनी डाली और दूध डाला है, अब देखती हूँ मैं इसमें फुलफिल हो पाती हूँ या नहीं, मतलब कामयाबी मुझे मिल पाती है या नहीं। तो पुए बनाने से पहले ना मैं ज़ोर से बोलना चाहती हूँ जय माता दी, ताकि मुझे कामयाबी मिले, मुझसे बनते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, बन गए ना मजा आ जाएगा। तो फाइनली मुझसे पुए बन गए जैसे कि आपने देखा, ये थैंक यू भाभी, थैंक यू मेरी जेठानी, थैंक यू सो मच, तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ती ना, एक गृहिणी से पूछो पूरी मेहनत करे और फिर मेहनत में पानी फिर जाए तो कैसा लगता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आप सोचो मैं ओवर एक्टिंग करूँ, यस आई एम डूइंग ओवर एक्टिंग, मजाक कर रही हूँ यार, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सफल हो चुकी हूँ, थैंक यू ज्योति। तो फ्रेंड्स शाम के कितने बज गए होंगे, शाम के नहीं यार रात के बज चुके हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, दिख रहा होगा कि मैंने लाइट ऑन कर ली है, तो रात के बज चुके हैं 7, तो अब मैं जाती हूँ पूजा करती हूँ, और सबसे पहले मैं थाली सजाती हूँ, जो भोग की थाली होती है उसको सजाती हूँ माता रानी के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने आज भगवान जी के लिए क्या क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स मेरी भोग की थाली सज चुकी है, पूरी जैसे कि आप देख रहे हैं मेथी वाली पूरी जो मैं हमेशा ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में पुए जो कि सक्सेसफुल रहे, और ये हैं काले चने, और साथ ही साथ मैंने किशमिश रख दी है। तो मेरी आरती हो चुकी है, तो आप भी ले लीजिए शाम की आरती, आपकी सारी मनोकामनाएं इच्छाएं माता रानी पूरी करे, जो आप चाहते हैं आप सभी को मिले, और आपको हिम्मत दे अपने दुख से बाहर निकलने के लिए। तो हम सब एक साथ बोलेंगे जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अब आप सोचोगे ये थाली किसके लिए सजा दी, आपको तो पता ही है ये थाली किसके लिए है, तो ये थाली है मैं अपने फ्रेंड्स को देने के लिए जा रही, क्योंकि ये ना एक प्रसाद होता है, जैसे कि आप ना कुछ भी बनाते हो तो प्रसाद तो बांट के ही खुशी मिलती है, तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही हूँ। का दरवाजा खुला है, कोई है मोनिका दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल महाराज जी को जय, क्या हुआ इसको, याद आपको बुखार हो,
डिस्ट्रीब्यूट करके आ गई हूँ। और पता है मुझे क्या मिला? ये और मुझे पकवान मिल गए। मैं कितने सारे पकवान खाऊंगी मैं आज। तो आप मेरी फ्रेंड निशु को तो जानते होंगे, तो उसका भी फास्ट था जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो उसने बनाए थे आलू के गुटके जो कि है पहाड़ी डिश, और खीर बनाई है उसने जो कोलकाता के चावल होते हैं उसकी खीर बनाई है उसने, और साथ ही साथ पहाड़ी रायता और साथ ही साथ पूरियां। अब खाते हैं, पेट पूजा पूजा कर ली, अब पेट पूजा होगी। तो खाना लग चुका है, पर जान को ना खाने में थोड़ा इंटरेस्ट है। जान तो क्या करी जान के जान? तो जान को खाने में थोड़ा इंटरेस्ट है, जान को इंटरेस्ट है मैच में। जान यहाँ भी देख लो कैसा लग रहा है, हर रोज तो नहीं मिलता है, कभी कभार ऐसा खाना मिलता है। तो कैसा? कितना अच्छा खाना बनाया ना मम्मा ने, थैंक यू बोलो मम्मा को। वेलकम, क्योंकि मम्मा भी तो कभी कभार ही मेहनत करती है और तुम लोग का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता ना, इसलिए मेरा मन नहीं करता अच्छा खाना बनाने का, मेरे को इज्जत ही नहीं है मेरे खाने की। हाँ, मन तृप्त हो गया यार, इतना अच्छा खाना और इतना अच्छा खाना। तो आप देख रहे होंगे पीछे बर्तनों का ढेर, तो इन्हीं बर्तनों के साथ आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है विथ योर प्यारी प्यारी फैमिली और लविंग फ्रेंड्स। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना भूलना नहीं। बाय बाय, जय माता दी।